कर रहे हैं हमारी इस क्लास में फॉर्म की। जैसे आपने देखा कि हमने एक सिंपल सा फॉर्म बना दिया और जिस फॉर्म बनाने के बाद हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं तो एक अगली शीट में हमारा चला जाता है, राइट। बट मुझे एक फॉर्म की तरह चाहिए, क्योंकि ये तो सॉमर ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया, पर आपने जो मुझे भेजा तो इनवाइस के भेजा था, वो फॉर्म की तरह नहीं हो सकता है। हालांकि उसको भी फॉर्म की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं। तो क्या एक सटीक फॉर्म बनाया जा सकता है अट्रैक्टिव? तो मैंने गूगल पे फॉर्म को सर्च किया है, बहुत सारे फॉर्म है, तो मैंने इस फॉर्म को एक बार चूज किया। मैं सेम फॉर्म बनाना चाहता हूँ एक्सेल सीट पे, तब जाके मैं इस पर कोडिंग करूँगा। तो मैंने ऐसे ही इसको ले लिया यहाँ पे और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे ऐसा ही सेम फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक सिलेक्टेड एरिया को लिया हमने और उसको हमने कलर कर दिया, बाद में इसको हटा दूंगा। हमने इस पे एक कलर नहीं, ये भी नहीं है, तो अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। ये ठीक है, ओके। और जितना एरिया है उतने एरिया को मैं यहां से सेलेक्ट कर, एक छोड़ दिया यहाँ भी, एक छोड़ दिया नीचे तक ले लेता हूँ, बाद में कुछ घटेगा बढ़ेगा तो ऐड कर लूंगा। अभी तो रूपरेखा तैयार हो रही है ना। उसके बाद मैं यहाँ एक मिनट, ये तैयार तो हुआ लेकिन थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था, थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ। और सबसे पहले यहाँ रजिस्टर हमें लिखना है, तो मैंने इसको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद मैं इसको लिखता हूं रजिस्टर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। अब इस आगे पीछे हमारी लाइनिंग है, तो मैं यहां पे इस तरह की लाइनिंग भी दे सकता हूँ, लेकिन इस तरह की लाइनिंग में डॉट हो जाता है। लेकिन ये तो हाँ, इसका भी उपाय हो सकता है। सही नहीं रहेगा, रजिस्टर है। अगर ऐसी दिक्कत है तो हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट में मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सैप्स में लाइनिंग हमारे पास है, ये लाइन सबसे अच्छा रहेगा। अब इस लाइन का कलर ब्लैक होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक कर और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसकी थिकनेस थोड़ा सा कम है, तो विड्थ में जाइए, थोड़ा सा थिकनेस को मैं बढ़ा देता हूँ। Okay. उसके बाद मुझे यहाँ मैसेज देना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट योर अकाउंट, वाली हमने इसमें हमारा यह है रजिस्टर है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, रो को ऊपर की तरफ थोड़ा सा चला जाए।
और थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि पूरा गड़बड़ा दिखे। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेम देना है, तो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। थोड़ा सा इसको चौड़ा, ऊपर वाला बिगड़ गया ना सर, कोई बात नहीं, उसको हम कर लेंगे। और इसकी कलर जो है, इसकी कलर को मैं वाइट कर देता हूँ और इस पे हम बॉर्डर लगा देते हैं, थोड़ा सा पतली बॉर्डर लगाते हैं, मोटा बॉर्डर। ओके, और उसके बाद यहाँ है, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि लास्ट नेम के लिए, और इसको भी सेम हम कर देते हैं। ईमेल आईडी है हमारा, यहाँ छोड़ के नीचे 14 पे आते हैं और इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसकी कलर वाइट कर देते हैं और इसमें सिर्फ राउंड बॉर्डर ही हम लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड का भी सेम सिस्टम है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ज़्यादा और छोटा हो जाता, तो पासवर्ड के लिए भी एक छोड़ता हूँ नीचे यहाँ आता और इसको भी मैं सेम बॉर्डर देता हूँ और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कंफर्म पासवर्ड सेम यहाँ लिया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लेकिन अब दिख रहा है बिगड़ गया हमारा, जो फालतू में यहाँ एरिया बचा हुआ है एक कलर छोड़ के हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और थोड़ा सा काम आएगा, जो ही थोड़ा सा इसको छोटा करना, काफी ज्यादा हो गया। इसको और फिर से सेट कर, इसको लास्ट में लगाएंगे सही बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ एक ये जो इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, जगह कम ले। अब जैसा जरूरी नहीं कि जैसा बना है ऐसे बना, अगर हम उससे बेटर बना सकते हैं तो बेटर रखेंगे। तो यहाँ का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। यहाँ हम एक चेकबॉक्स भी लेना है, तो हम डेवलपर में आते हैं और ऊपर जो चेकबॉक्स है उसको ये ले लेते हैं चेकबॉक्स हमारा, और इसको यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पे मैटर लिख देते हैं। और इसको राइट क्लिक करके हम इसमें फॉर्मेट कंट्रोल में आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सेल लिंक, हमारा यहाँ टू एंड यहाँ पे सेल टू एंड फॉल्स देगा। अब क्या होगा कि इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। अब ये ना दिखे, बाद में इसकी कलर चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस पर बटन भी चाहिए एक अच्छा खासा, लेकिन मैं बटन यहाँ से असाइन नहीं करना चाहता, हम चाहते हैं कि बटन यहाँ से बने, एक अच्छा बटन दिखे। तो सैप में हमने इसी को ले लिया और हमने इसको डिजाइन किया। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये सही रहेगा।
थोड़ा छोटा करना है, छोटा भी करके बीच में रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर नाउ और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, मिडल हो गया। अब मैं ऊपर जो है बहुत सारा एरिया हमारा रह गया है उसको हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, साइड वाले एरिया को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ, नीचे का बहुत सारा एरिया है उसको हटा देता हूँ और एरिया छोटा सा एरिया रखता हूँ, ये भी फालतू में है तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा, सर फॉर्म मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इसमें अभी और भी चीजें बाकी है, अब पता है इसमें हेडिंग तो हमने डाला ही नहीं ना सर, जैसे यहाँ हेडिंग है ना यहाँ पे फुल नेम फर्स्ट नेम, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पे डाल दूं फर्स्ट नेम तो प्रॉब्लम होगा कि जब ये एंट्री करेगा तो चेंज हो जाएगा ना फिर, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहां विजिबल हो, जब इस पर एंट्री करें तो हट जाए, फिर वापस जब ब्लैंक हो तो वापस दिख जाए, जैसे कि वेब फॉर्म में होता है। क्या सर देखा होगा आपने वेब फॉर्म में, जी होता है ना वेब फॉर्म में, तो मैं यहाँ साइड पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसका एक ट्रिकम है, मतलब कि एक ट्रिक्स है, फर्स्ट नेम हमने लिखा, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी जो फॉन्ट कलर है फॉन्ट कलर को थोड़ा सा डार्क, ठीक है, अभी भी तो नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मिडल में और मिडल में करता हूँ, सेंटर में। उसके बाद यहाँ देखिए इंडेंट दिख रहा है आपको सर, इंडेंट से हम अपनी इसकी पोजीशन को बढ़ा घटा सकते हैं, हो गया सर। तो इसमें हम फॉर्मेट में आते हैं, बॉर्डर बॉर्डर क्यों दिख रहा है, इसके बाद यहां हम दे देंगे लास्ट नेम, लास्ट भी मैं अप कर देता हूं और इसको भी मैं यहां से कलर जो है हमने अपने हिसाब से कलर दे दिया और इसको भी हम यहाँ से इंडेन कर देते हैं, ऐसे यहाँ ईमेल कंफर्म पासवर्ड, इन दोनों को इसी तरह से मैं करना है, ईमेल के स्पेलिंग माफ कीजिएगा। पहले वाले पे किया था तो आ गया,
ओके हाँ, बॉर्डर का एक ऐसी दिक्कत है, तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ और बॉर्डर को हटा देता हूँ। तो ऐसे भी बॉर्डर यहाँ पे है, अब ठीक दिख रहा है ना सर? हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं बॉर्डर यहाँ से हटा देता हूँ। इसकी कलर ब्लैक होना चाहिए, बॉर्डर हटाता हूँ, सिर्फ बॉर्डर हटाता हूँ। यहाँ फॉर्मेटिंग कलर तो मुझे यहाँ देना है ना, इसको भी सेम कलर, इसको भी सेम कलर, इसकी कलर बाद में हटा दें, इसको कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे मैं मुझे यहाँ नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे पूजा लिखा, तो ये देखिए हट गया एसोसिएशन, आ गया, समझ गया सर। और इसको और बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो बाकी जितने भी ब्लैंक रोज हैं उसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, और नीचे जो ब्लैंक रो है उसको भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। हाइड हो गया, और फिर हम यहाँ पे इसको इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसमें फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, प्रोटेक्शंस में लॉक को हटा देता हूँ, ओके। और यहाँ मैं प्रोटेक्ट शीट करते समय हम बोलते हैं सिर्फ लॉक्ड सेल, सेलेक्ट लॉक सेल को मैं अनचेक कर दिया और हमने यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट को चेक कर दिया। तीसरा क्या हुआ कि कर्सर मेरा इनके अलावा कहीं और मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये और क्लिक नहीं कर पाऊँ। अब जो प्रोग्रामिंग आपने हमने इसके लिए की थी, सेम प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे करेंगे और राइट क्लिक करके इसमें असाइन मैक्रो करके उस मैक्रो को असाइन कर देंगे, समझ गए सर। तो डेटा क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे डेटा, डेटा में एक डेटा तो है ही, एन डेटा कर देता है, एन। अब एन डेटा में मैं यहाँ पे दूंगा मान लीजिए आईडी, एक आईडी होगा, देन डेट, टाइम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहां पे टर्म, टर्म एंड कंडीशन को ट्रू किया है कि नहीं किया है, ओके। अब यहां पे दिक्कत एक चीज और भी आती है कि मैं यहां पासवर्ड डालता हूं तो पासवर्ड दिख रहा है ना, पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए ना सर, तो मैं अनप्रोटेक्ट करता हूं, पासवर्ड वाले सेक्शन पे जाता हूं, दोनों को सिलेक्ट करता हूं और फॉर्मेट में आता हूं। फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट के कस्टम पे हम यहां क्या करेंगे, स्टार को दो बार लिख देंगे, दो बार स्टार लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं यहां पे पासवर्ड लिखूंगा, जैसे एंटर प्रेस, जैसे एंटर, यहां नहीं हुआ, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट से एक स्टार कर रहा हूं, क्या दो स्टार करना, एक को इंपॉर्टेंट कौन रखना है क्या,
दो बार स्टार लिख दिया। स्टार हम लिखते थे एक स्टार को दो स्टार चाहिए, लेकिन इसमें हम एट द रेट हटा देते हैं तो यहां सिर्फ स्टार स्टार ही दिखना चाहिए। सर एक बार हैश लगा के ट्राई कर सकते हैं। हैश दो स्टार नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो रहा। छोटी सी एक दिक्कत थी जिस कारण से नहीं हो रहा था। क्या करेंगे इसके लिए, आप दोनों को सेलेक्ट, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं पहले। इसकी कलर एक बार, कलर जो है यहाँ आपका अप्लाई नहीं हुआ, कलर तो ज़्यादा नहीं, कलर बोल्ड ही रहेगा। कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया हमने, बैकग्राउंड ऑटोमेटिक कलर कर देता हूँ। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव। अब यहाँ पे हम दो स्टार नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे एक दो तीन सेमी कॉलन, फिर इस पे दो बार स्टार कर देते हैं। इसे क्या हुआ कि ऐसे आपको यहाँ दिखेगा नंबर दिख रहा है पासवर्ड, जैसे मैं पासवर्ड लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो स्टार, एक्चुअली पासवर्ड ही रहेगा बट शो करेगा स्टार। तो ये फॉर्म ठीक लगी सर। अब ये इंटरफेस कितना अच्छा इंटरफेस है ना सर। अब इस पे आपको कोडिंग करनी है, तो आप सेव जैसा फॉर्म मैंने बनाया है ऐसा ही फॉर्म एक बार बनाएं और फिर डेटा के अंदर डालें, और इस पे जो कोडिंग मैंने एक कोड यहाँ पे कोडिंग की है सेम कोडिंग आप यहाँ कीजिए, हो जाएगी आपसे, हो जाना चाहिए।